हेलो एंड वेलकम बैक गाइज टूडे वी आर हेयर एट मोटर एक्सेलेंस एंड दिस इज तुषार हीस तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये दोनों ब्यूटिफुल के टी के बारे में दीज आर द 2023 ट्वेंटी एडवेंचर रैली एडिशन और आर एडिशन एज पर मी तो दोनों बाइक्स अगर आप देख सकते हो तो दोनों बाइक्स विजुअली थोड़े से डिफरेंट है बट इफ द बाइक्स आर एग्जैक्टली सेम तो आज मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूं इस पे नेसेसरी एक्सेसरीज क्या क्या लगाने चाहिए और मेरे बाइक पे क्या क्या एक्सेसरीज है एंड हाउ मच यू शुड रियली स्पेंड ऑन दीज गेटिंग टू दीज बाइक्स एंड टेकिंग एन दम आउट फॉर अ प्रॉपर एक्सेसरी रिव्यू जान लेते हैं मोटो एक्सीलेंस एग्जैक्टली क्या है सो तुषार कैन यू प्लीज स्पेर अ फ्यू मिनट्स फॉर अस एंड टेलर्स की मोटो एक्सीलेंस एग्जैक्टली क्या है और यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं श्योर

तो आई कैन सी ब्रेक पैड वॉल ओवर हेयर तो आप क्या बताएंगे कि कौन से कौन से ब्रेक पैड्स आपके यहाँ पे मिलते हैं और कौन से बाइक्स के लिए मिलते हैं वी डील विथ टू थ्री ब्रेक पैड ब्रांड्स सो फर्स्ट इज वेसरा आई एंड वी आर द वेसरा डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर पुणे रीजन देन द नेक्स्ट वन इज ई बी सी दिस इज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड फॉर सुपर बाइक्स ब्रेक पैड्स एंड एडिशनली वी ब्रेम्बो सी एल ब्रेक पैड्स एंड मेनी मोर But I think that would be on order. Yeah. Okay, yeah, so this is what order. you usually stock? Yes. For uh, all the segments? Yes. yes. Okay. So, uh, basically, Vesra brake pads are for small bikes and EBC is uh, for bigger bikes. post 600cc. I also see a beautiful display of DNA Performance Air Filters. So, which bike does performance air filter brands say aap This is This will fit to most of the super bikes. Alright. And... Uh, इसके कंपैरिजन में आ, मेरे पास बी एम सी एयर फिल्टर है एमडब्ल्यू आर एयर एयर फिल्टर के लिए आपके पास क्या क्या है फॉर एनी बाइक्स तो क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं फ्रेम स्लाइडर्स आपके यहाँ पे मिलते हैं yes, uh, 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 ये गार्ड्स ऐसे मिलते हैं ओके okay. So, की एक बात में पूछना चाहूंगा, क्या सिर्फ ये बिग बाइक्स में बैठता है कि ये स्मॉल प्राइसिंग uh, uh, okay. uh, थोड़ा सा ज्यादा है तो इसके कंपेरिजन में एसर बेस वगैरह थोड़ा चीपर है आई थिंक तो वो भी आपके थोड़ा पास आई प्रीफर बाग बस्तर ओके थैंक यू सो मच फॉर दैट तुषार आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द एक्सेसरीज दैट आर फिटेड ऑन दिस एंड दिस बाइक नाउ सो लेट्स टेक दिस बाइक्स आउट इन द वाइल्ड एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इस पे लगा है सो एज आई सेड दोनों बाइक्स दिखने में काफी अलग है बट सेम बाइक्स है सो दीज बोथ आर द 2023 390 ADV रैली वर्जंस सो अभी ये बाइक में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है तो मेन डिजाइन इज द बॉडी किट सो दिस बॉडी किट इज डिजाइंड बाई ऑटोलॉग कस्टम्स बीस्ट हेयर इन पुणे इथ सेल्फ एंड दे मेक कस्टम बॉडी किट्स पेन जॉब्स एंड फेयरिंग्स फॉर एनी मोटरसाइकिल यू वॉन्ट यू जस्ट गो देर टेल दम योर डिजाइन एंड देल हेल्प यू विद डैट सो दिस अप्रॉक्सीमेटली विल भी कॉस्टिंग अराउंड फिफ्टीन टू एटीन थाउजेंड अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग ऑन योर मोटरसाइकिल बट अगर आपको ये काफ़ी एडवेंचर और बल्कि लुक पसंद है कंपेयर टू द स्टॉक थ्री नाइन्टी जो थोड़ा सा स्मॉल दिखता है तो ये पार्ट आप लगा सकते हो इट इज़ वेरी नाइस अपग्रेड टू मेक योर बाइक लुक अ लिटिल बिट बेगर सो डिज़ाइन अपग्रेड्स के बाद बात करेंगे प्रोटेक्शन पार्ट्स की क्योंकि प्रोटेक्शन पार्ट्स कोई भी बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दीज आर द बाग बर्स्टर्स मेड इन ऑस्ट्रेलिया इम्पोर्ट होता है इंडिया में येस काफ़ी एक्सपेंसिव है फॉरक के टी एम इसका प्राइस है अप्रॉक्स फिफ्टीन टू सिक्सटीन थाउजेंड एंड इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग डॉलर प्राइस के हिसाब से बट दिस इज़ वन थिंग आई विल वाउच फॉर मार्केट में और भी चीपर ऑप्शंस अवेलेबल है बागबस्टर्स में फर्स्ट कॉपी बाग है एसर बिस आता है विच इज़ क्वाइट चीप फर्स्ट कॉपी तो बहुत ही सस्ता है आपको दो हज़ार रुपये मिल जाएगा बट द क्वेश्चन इज इज़ इट मोर वैल्यूएबल दैन योर नकल्स क्योंकि हैंड गार्ड सिर्फ आपकी बाइक को नहीं बट आपके हाथ एंड नकल्स को भी प्रोटेक्शन देते हैं अपार्ट फ्रॉम विंड डिफ्लेक्शन सो so, इसका क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा सी मैं पूरे ताकत से इस पर मारूँगा फिर भी कुछ नहीं होगा सी लुक एट हाउ हार्ड आई एम हिटिंग ये बेंड नहीं होगा इट इज़ कम्प्लीटली एल्यूमिनियम। क्योंकि अगर आप ट्रेल्स पे जा रहे हो और बाइक लेके गिरते हो तो पूरा इम्पैक्ट आपके फिंगर्स पे आने के बहुत चांसेस है तो आई विल डेफिनेटली वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट और इवन इफ इफ यू वॉन्ट टू सेव लिटल बुट ऑफ कॉस्ट कोई भी अच्छे क्वालिटी का हैंड गार्ड डेफिनेटली चाहिए नेक्स्ट इन द लाइन इज द सम गार्ड अभी मेरी बाइक पे जो सम गार्ड है ये स्टॉक है सो so ये मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक है और यहाँ पे हिडर प्रोटेक्शन के लिए एक एल्यूमिनियम का प्लेट दिया हुआ है तो मेरे हिसाब से पर्सनली मैंने नहीं डाला है एल्यूमिनियम सम गार्ड क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेल्स नहीं करने वाला हूँ इस पर बट ऑन दिस बाइक वी कैन सी अ नाइस ब्यूटिफुल सम गार्ड विच इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम और ये है फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड जी वी इटली तो ये भी आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है एंड दिस इज़ रियली एक्सपेंसिव बट इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड दैट मच ऑन द मोटरसाइकिल दिस इज़ अ मस्ट गो अपग्रेड बिकॉज इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है यू कैन हीयर इट द क्वालिटी इज रियली नाइस द प्लेसमेंट ऑन द बाइक इज फर्म बट इसका एक छोटा सा डिस एडवांटेज है कि प्लास्टिक में वाइब्रेशन का रैटलिंग नॉइज नहीं आता है फॉर अल्यूमिनियम सम गार्ड अगर के टी एम वाइब्रेट ज़्यादा करता है तो ये वाइब्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और आपको सुनाई देता है नाउ एग्जाम्पल सी दिस दैट मीनस स्टार्ट द बाइक एंड शो यू इफ यू कैन हियर द रैटल बट ये सभी बाइक का केस नहीं है हो सकता है साउंड कमिंग इन द बैक तो ये आई डोट थिंक कैमरा में ज्यादा कैप्चर हुआ होगा बट देर इज अ लिटल बिट ऑफ रैटल बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम सो अनदर स्मॉल अपग्रेड रदर एन एक्सेसरी प्रोटेक्शन के बारे में ये एक छोटी सी एक्सेसरी है विच इज बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है दिस जस्ट कॉस्ट नाइन नाइन्टी नाइन रुपीज़ फॉर द फ्रंट एंड रेयर ये है सस्पेंशन कवर नाउ जब से मैंने गाड़ी लिया है तब से मैंने चार पाँच राइड अच्छे अच्छे किए हैं कीचड़ में बारिश में बट जस्ट लुक एट हाउ क्लीन माई सस्पेंशन स्टिल इज और मैंने ये लिटरली बोल रहा हूँ मैं आज फर्स्ट टाइम इसका वेलक्रो मैंने निकाला है सो दिस इज़ वन पार्ट यू शुड डेफिनेटली पुट ऑन द मोटरसाइकिल दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड राग हेयर विच इज मेड हेयर इन इंडिया इट सेल्फ एंड नाउ कंपेयरिंग इट विद द सस्पेंशन विच डजेंट द शॉक स्लीव आज सुबह ही मैंने प्रेशर वॉश किया था ये बाइक बट फिर भी इसमें काफ़ी गंदगी है और ये सस्पेंशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है इफ यू आर ऑन अ लॉन्ग टूर आप कभी दूर जा रहे हो तो सैंड कैन डेफिनेटली स्क्रो योर सस्पेंशन सो ये आप डेफिनेटली लगाओ सो so, प्रोटेक्शन में आपको छोटे छोटे पार्ट्स भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं बाइक के स्मॉल स्मॉल फॉल्स के लिए सो वन ऑफ डेम पार्ट्स इज दिस दिस इज कॉल्ड अ फोक्स लाइडर And I must say this is proudly made in India and proudly made in Pune here in my city. This is from a brand called motor Fusion and this is also very, not very expensive to be very honest. to so, ye aapke forks ko बचाएगा kyunki fork ka clamp agar yahan pe कहीं टूटता hai to aapko pura fork change karna padta hai तो ये आपके definitely small small falls या फिर trails में आपकी definitely help करेगा. This is a must have necessary upgrade. ये bike जब भी लेते हो तभी लगा दिया तो भी चल सकता है because it's quite important. एंड कमिंग टू द बैक मैंने डिस्प्ले के लिए लगाया है दोनों बाइक्स पे ऑलमोस्ट सेम ही पार्ट्स हैं तो इधर भी मैंने रियर स्लाइडर लगाया है बट दिस इज़ नॉट रियली नेसेसरी दिस इज जस्ट फॉर डिस्प्ले ऑन माई बाइक क्योंकि मैं देखना चाहता था बट के टी एम wide, क्वाइट वाइड तो इस पर ज़रूरत नहीं क्योंकि बाइक गिरेगा तो ये कभी टच होगा ही नहीं फुट पैक्स पहले जाएंगे या फिर टेल पर ज़्यादा पहले टच होगा यहाँ या फिर यहाँ एंड इंजन कार्ड्स तो आर ऑबियसली देर टू प्रोटेक्ट यू सो इसकी ज़रूरत हंड्रेड परसेंट नहीं है ये ऑप्शनल है सो so, इसके जस्ट नीचे बैठते हैं अपने स्पूल्स ये आपको काफ़ी यूजफुल होंगे बिकॉज आप इस पर पैडॉक स्टैंड लगा सकते हो अभी आजकल मैं देख रहा हूँ वो जो नए रोलर्स आए मार्केट पे जो आपके व्हील के नीचे लग के आप जो चेन लूप करते हैं लोग आई रियली डोंट सजेस्ट दैट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप स्पूल्स लो पैडॉक लगाओ और फिर आराम से चेन क्लीन करो बिकॉज दो रोलर्स आर क्वाइट रिस्की बाइक कभी कभी उससे स्लिप हो सकता है तो स्पूल्स आर रियली नेसेसरी अपग्रेड एंड इवन एज आई सेट दीज आर ऑल्सो नॉट एक्सपेंसिव ये भी मेड इन पुणे ही है सेम ब्रांड मोटो फ्यूजन के हैं एंड यू गेट मल्टीपल कलर चॉइसेस इन दिस एंड दीज आर सी एन सी तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इवन ऑन माई जेड एक्स टेन आर यही ब्रांड के पार्ट्स है तो इंडियन या फिर चीप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आराम से लगा सकते हो लेट मी शो यू वन मोर इम्पोर्टेंट एक्सेसरी फॉर द के टी एम और ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लगाओ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपग्रेड है तो इफ यू कैन सी दिस इज अ नेक ब्रेस अगेन मेड इन इंडिया फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड मोटो तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है बट ये आपकी बाइक का स्पीडोमीटर का जो माउंटिंग है पूरा सब फ्रेम होल्ड करेगा सामने का बिकॉज इसमें काफ़ी शेक्स आते हैं एंड काफ़ी रिव्यूज़ भी मैंने देखे एंड काफ़ी वीडियोस में भी देखा है कि लोगों के ये जो फ्रंट नोज़ है वो पूरा टूट रहा है तो उसको री करने के लिए ये जो नेक ब्रैकेट है नेक ब्रेस बोलते हैं इसको तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है तो ये भी आप डेफिनेटली लगाओ अगर आप टूरिंग पे भी जा रहे हो या फिर ऑफ रोड पर तो जा रहे हो तो चाहिए ही चाहिए बिकॉज इट विल एक्ट एज अ ग्रेट सपोर्ट वन मोर एक्सेसरी और से रादर प्रोटेक्शन पार्ट ये भी काफ़ी जरूरी है ये हैडलाइट गार्ड फ्राम मोटो आई ओ आई विच इज मेड इन इंडिया एंड दिस इज मेड ऑफ पॉलीकार्बोनेट सो ये क्रैक नहीं होता है इसका क्वालिटी भी काफी अच्छा है सो दिस फिट्स ऑन अ थ्री पी इन माउंट इफ़ यू कैन सी फ्रॉम योर एंड इसका रैटलिंग नॉइज बिल्कुल भी नहीं आता है ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी बिकॉज एज वी नो के टी एम सो ये एक पार्ट ऐड करके आपके गाड़ी में वाइब्रेशन ऐड नहीं होने वाला है सो दिस इज अ मस्ट गो अपग्रेड एंड इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव आई एम पुटिंग डाउन द प्राइस बिलो सो प्लास्टिक पार्ट्स के बारे में बात ही कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द स्पीडोमीटर गार्ड एज वेल ये एक्रैलिक है इट इज़ नॉट पॉलीकार्बोनेट इसका क्वालिटी भी काफ़ी ओके ओके है इट इज़ नॉट अमेजिंग क्वालिटी बट ये एक ऑप्शनल अपग्रेड है आपको लगाना है तो लगा सकते हो सो दिस इज फ्रॉम ब्रांड कॉल मोटो ट्रेंड्स एंड इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव ट्रस्ट मी आप लगा ही दोगे प्राइस सुन के बट सी देर इज़ वन ईज ऑफ एक्सेस यर जो है इसमें वेलक्रो तो ऐसे आप क्लीन कर सकते हो एंड ऑन द गो एडजस्ट कर सकते हो बट ओनली थिंग इज इसका लुक थोड़ा सा स्पॉइल हो गया क्योंकि इधर चार वेलक्रो के डॉट्स है सो दैट्स ऑल बाकी गार्ड तो काफ़ी अच्छा है सो प्रोटेक्शन पार्ट्स के बाद बात करेंगे अर्गोनॉमिकल अपग्रेड्स <coughs> की जो कि ईज ऑफ राइडिंग अपग्रेड्स भी कहते हैं उसको मतलब मैं कहता हूँ तो इससे आपका राइडिंग थोड़ा ईजी हो जाता है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड स्टैंड एंड लार्जर राइजर दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड वाया काफ़ी अच्छा ब्रांड है दिस विल बी कॉस्टिंग यू अप्रोक्स आई थिंक थ्री एंड हाफ थाउजेंड के आसपास कुछ तो है आई थिंक माइट बी लेसर ऑल्सो तो ये आपको गाड़ी पार्क करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा आप ट्रेल्स पे जा रहे हो कीचड़ में जा रहे हो टूरिंग पे जा रहे हो अन इवन सर्विस पे बेसिकली आपका इट्स लाइक अ फुट सो इसको साइड एंड फुट भी कहते हैं so, तो दिस इज़ वन नेसेसरी आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड डेफिनेटली पुट ऑन ए मोटरसाइकिल तो इन लार्जर्स की बात कर रहे हैं तो और एक पार्ट इसमें आता है विच इज़ द ब्रेक इन लार्जर एंड राइजर अभी राइजर इसको कहते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा एक ऊपर बल्ज है ये यूजफुल क्यों है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो आप जब यम एक्स बूट्स पहनते हो या फिर राइडिंग बूट्स पहनते हो तो आपका फ्लेक्स ये जो है थोड़ा सा कम हो जाता है तो बेसिकली ब्रेकिंग का एरिया भी इससे बढ़ता है एंड वेन यू आर सैडलिंग स्टैंडिंग एंड राइडिंग तो एम बूट इतना नीचे नहीं जाता है तो आप ये ऊपर का जो लीवर है वो यूज़ करके काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग कर सकते हो तो ये भी एक काफ़ी हेल्पफुल अपग्रेड है तो अगेन एज आई सेड ईज ऑफ राइडिंग अपग्रेड्स तो उसमें से ये एक ऐड हो जाएगा ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है तो विंडस्क्रीन में भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे एक तो स्टॉक विंड स्क्रीन है आई वुड से गो फॉर अ विंड स्क्रीन मैंने भी मंगाया है जीवी का मेरा आ रहा है विंड स्क्रीन बिकॉज हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट फेस पे आता है एंड इट इज़ वेरी अनोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड एंड हाई स्पीड्स या फिर एक छोटा सा अपग्रेड ये लगा सकते हो प्रोस्पेक् का जो एक्सटेंशन है ये एडजस्टेबल है तो आप ये भी लगा सकते हो ये नीचे ऊपर होता है तो ये भी काफ़ी इजी है ये भी काफ़ी सस्ता है एक मस्त अपग्रेड है या फिर आप बड़ा विंडस्क्रीन लगा सकते हो फॉर मेड बी इंडियन ब्रांड्स और इम्पोर्टेड ब्रांड्स वो भी आपको खर्चा ज़्यादा करना है तो ऑप्शन है ही तो इसके बाद बात करेंगे जी के लिए या फिर आपके फ़ोन के लिए तो यहाँ पर जी पी माउंट बैठ जाता है या फिर आप यहाँ पर भी लगा सकते हो तो पर्सनली आई फील जीपीएस माउंट जो यहाँ लगा हुआ है दैट इज नॉट वर्थ पुटिंग ऑन द के टी एम बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन है और ये पार्ट काफ़ी वीक है तो यहाँ अगर आप वेटेड फोन लगाते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हिलता है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मेरा कैमरा यहाँ पे लगाया था इंस्टा 360 तो वो इतना ज़्यादा हिल रहा था तो आई डिसाइडेड टू बुड ऑन देंडल बार तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी फ़ोन माउंट लो और हैंडल बार पे ही माउंट करो नाउ दिस इज़ वन गुड फोन माउंट फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड क्वाड लॉक एंड दिस हैज़ द वाइब्रेशन डैम्पर इंस्टॉल टू इट ये खास आई यूजर्स के लिए है बिकॉज आई का ओ खराब हो रहा है बाइक्स पे लगा लगा के वाइब्रेशन की वजह से तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कॉर्ड लॉक बट अगर आपका एक्सपेंसिव आईफोन है तो डेफिनेटली आप ये लगा सकते हो बट स्टिल ये लगा के लगा के भी आप हैंडल बार पे ही माउंट करो ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा शेकी हो जाता है एंड द लास्ट अर्गोनॉमिक अपग्रेड आई वुड लाइक टू कवर और ये मेरा पर्सनल फेवरेट अपग्रेड है विच इज द हाई फेंडर किट फ्राम पॉलिसपोर्ट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दिस इज फ्रॉम पॉलिसपोर्ट प्लास्टिक्स ये आपको फाइव थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड के आसपास आ जाएगा विद द माउंट एंड ये अपग्रेड नेसेसरी नाउ क्यू है नाउ इफ यू कैन सी द गैप बिटवीन द टायर एंड द मट फ्लैप हेयर एंड द गैप एंड द टायर बिटवीन द स्टॉक बाइक टू फिंगर्स वर्सेस ऑलमोस्ट सिक्स एट फिंगर्स सिक्स टू एट फिंगर्स तो आप ट्रेल पे जा रहे हो या फिर आप सपोज लद्दाख पे जा रहे हो वहाँ पे कीचड़ काफी रहता है या फिर सैंड रहती है तो ये लॉक होकर आपका बाइक जैम हो जाता है एंड इट इज अ कम्प्लीट है बाइक आउट तो ये अपग्रेड एक काफी नेसेसरी है दिखता भी काफी प्यारा है सो दिस इज़ वन अपग्रेड आई सजेस्ट फ्राम पॉलिसपोर्ट तो दैट इज ऑल द अपग्रेड दैट आई हैव पुट ऑन माई मोटरसाइकिल और ये दूसरी थ्री नाइनटी पे तो आप दोनों भी कंपेयर करके देख सकते हो आपको कौन सा लुक पसंद है आपको क्या अपग्रेड्स वर्थ लगते हैं क्या नहीं लगते हैं एंड दैट इज़ ऑल फ्राम टूडे फ्राम माई साइड गाइज स्टेट यून फॉर मोर वीडियोज जस्ट लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल शेयर द वीडियो इफ यू रियली लाइक दिट एंड ऑल द एक्सेसरीज दट यू सॉ यू कैन बाय हेयर एट मोटर एक्सेलेंस विच इज लोकेटेड इन पुणे कोथरूड